वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर है, वगरना अजीज़ मिस्र हमें हरगिज़ गंदम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले करते हैं? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है, एक बार गलती हो गई हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। किन बातों से जाहिर होता है, क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशिमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब यदार सिफ, तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपास गुजार हूं, खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा, इंतजार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानवे जलखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ हैं, बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई खास रगबत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानवे जलखा के लिए है? जी अली जनाब, शायद वो चंद लुक्मे तनावल कर लें। बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला।
लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा मापू तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर मापूत परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें, उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलबत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हमें ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है, खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की, जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदम बस इतनी ही रह गई है? ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़े जबा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने उस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को सबीउल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ, तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं, आया मैं मुकसर हूं। अब ज्यादा गंदम नहीं बची घर में, अगर जल्दी गंदम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। दूध पर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदम सिर्फ मिस्र में दस्तियाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन यामीन के बगैर हमें गंदम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन यामीन
और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ कभी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत ना होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते। नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते कि आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते कि क्या? बशर्ते कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर एहत करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। एहत करते हैं, हुकुम से वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ, हम वादा करते हैं, हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और इस्तार और काहिना ने माबद का क्या अशर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहाँ आकर बैठो और बारगाह खुदावंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ावार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर ना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा, कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद और पैमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बचाने पे जाओ, जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो। जाओ, सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें, गुम ना हो जाएं, वरना अजीज़े मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए, पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत ने अजीज़े मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े ज़रबख्त के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने पे होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते ना के लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार।
سلام بر نبی خدا. تم پر بھی درود ہو. درود بر نبی خدا. خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے. درود بر نبی خدا. سلام بابا. سلام. درود بر نبی خدا. تم پر بھی درود ہو. درود بر نبی خدا. ہمیں دعا نہیں دیں گے بابا؟ خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہیں معلوم کیوں میں تم لوگوں کے لیے بہت فکر مند ہوں. اب بھی بنیامین کی فکر دامنگیر ہے؟ نہیں، اس بار تو مجھے تم سب کی فکر ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے. بابا، کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی مذموم مزائم رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے بچوں کو اس سفر پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں معلوم کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. محتاط رہنا ہوگا. کیسی احتیاط بابا، عزیز مصر یوزار سیف تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہو کہ عزیز مصر سے آمنا سامنا ہی نہ ہو. یہ ممکن نہیں بابا، سب ہم دسوں بھائیوں کو پہچانتے ہیں، اور دروازے کے مامون تو خاص طور پر. تم نے تو بتایا تھا کہ تبس کے کئی دروازے ہیں، دوسرے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. اگر وہ کوئی غلط ارادہ رکھتے ہوں گے تو یقیناً اب تک نگہبانوں کو ہم دسوں بھائیوں کے نام و نشان دے چکے ہوں گے. اور اگر تم 11 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تب کیا؟ یقیناً انہوں نے تاکید کی ہوگی کہ اگر 10 کنانی بھائیوں کو دیکھیں تو انہیں مطلع کریں. ہاں، میرے خیال میں اگر وہ ہمیں ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے تو ہرگز نہیں پہچان پائیں گے. تو ٹھیک ہے، ایک ساتھ مت جانا، تو دو افراد کر کے مختلف دروازوں سے جاؤ اور نہایت خاموشی سے اپنی گندم لے کر واپس لوٹاؤ. اس طرح اگر کوئی غلط ارادہ رکھتے بھی ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں، یہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پہچان لی گئے تو؟ اس صورت میں خود کو خدا کے سپرد کر کے سر تسلیم خم کر دینا. امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت لوٹو گے. اپنا خیال رکھنا، بنیامین کی حفاظت کرنا. اب ہم مزید کسی رنج و مصیبت کے متحمل نہیں ہو سکتے. احتیاط کرنا میرے بچوں. آپ گھبرائیے نہیں ماں، ماجرائے یوسف اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. آپ پر درود خدا حافظ بابا. سلام بابا. اپنا خیال رکھ. خدا نے سلام بابا. سلام بابا. آپ پریشان مت ہوں بابا، خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچے. یوسف کے بعد اب مجھ میں تمہاری دوری برداشت کرنے کی سکت نہیں. آپ نے مجھے خدا کے سپرد کیا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں. اپنا بہت خیال رکھنا میرے بچوں. ضرور خالہ جان، ضرور. مجھے ماں کہو بنیامین، تم تو مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہو. ضرور مادر جان، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے. جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے. یقین جانیے بھائی لاوی اور یہودا سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. خدا نگہدار، خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا کرے کہ بخیریت کر واپس لوٹوں. درود خداوند ہو تم پر. عزیز مصر کی کرم نوازی ہے. وہ 10 کنانی بھائی یاد ہے نا جن کی خاطرداری کی تھی؟ جی جی جناب، مجھے یاد ہے. وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے. ہاں، وہ جیسے ہی آئے فلفور انہیں میرے پاس لے کر آنا. کہنا کہ عزیز مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے. اطاعت عالی جناب، جناب مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں. جناب عزیز مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے.
इत्मीनान रखे, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हरकत करें। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते, यकीनन को खास बात है। बाबा, यूसुफ के उस तख्त तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हर किस मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हैं? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले कनान कैसे दो चार हैं और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी के, लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है। इस तरफ आ जाओ बाबा के दूरे नजर, कहीं घोड़ों की जद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं, अलबत्ता अजीज़ से बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए?